दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वो वेयर हाउस जहाँ दोस्तों ये सिर्फ एक वेयर हाउस में नहीं जॉर्जोपोल के सारे वेयर हाउस में ये ट्रिक वर्क करेगी। मैंने सभी वेयर हाउस में ये ट्राई कर लिया है। सबसे पहले आपको वेयर हाउस के अंदर आना है, उसके बाद ना दोस्तों यहाँ पे आपको ये अलमारी सा दिखाई देगा, दो स्टैंड यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, इनके बीच आपको जाना है, यहाँ पे इनके बीच आपको आ जाना है, खड़े हो जाना है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं जो बताऊंगा जैसे वैसे ही आपको करना है। सबसे पहला काम आपको स्प्रिटिंग लॉक कर देनी है, जैसे कि मैंने स्प्रिटिंग लॉक कर दिया है, मतलब कि वो जो तेजी भागने वाला है ना उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइट करनी है, जो फायर और फाइट का यहाँ पे देख सकते हैं उस पर आपको क्लिक करना है और प्रॉन होना है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं वही कर रहा हूँ, आपको यही करना है। आपको ध्यान देना है कि अगर आपका स्प्रिटिंग लॉक नहीं है तो भाई ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तो ये ट्रिक हुआ नहीं, फिर से चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको 30-40 सेकेंड लग जाए, 30-40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अंदर की तरफ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉन हो जाना है। यहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ, अब आपको यहाँ पे प्रॉन हो जाना है। उसके बाद आप देखोगे पूरी तरह से भाई आप गायब हो जाओगे। जहाँ दोस्तों वेयर हाउस के ऊपर से कोई भी चला जाए आपको नहीं देख सकता, आप पूरी के पूरी वेयर हाउस में बंदों को किल कर सकते हो। यहाँ से आप बाहर की तरफ फायर कर सकते हो, लेकिन बाहर से कोई यहाँ पे फायर नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको व्यू मिल रहा है। इजीली अगर कंटेनर पे बंदे हैं, टावर पे बंदे हैं तो उन्हें ख़त्म कर सकते हो। मेरे पास स्कोप वगैरह है नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे लूट नहीं करी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाल मचा हुआ था, मतलब कि गोलीबारी चल रही थी। तो मैं सोचा यार पहले मैं बना लेता हूँ ट्रिक, उसके बाद देखूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं ट्रिक बनाने में लग गया। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस समय मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता लेकिन मैं सबको देख सकता हूँ। और दोस्तों अच्छी बात यहाँ से ये है कि आप यहाँ पे ना नेड भी कर सकते हो। जान दोस्तों यहाँ से आप ग्रेनेड फेंक सकते हो, स्मोक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने नेड किया सामने की तरफ, अभी वो ब्लास्ट होगा तो आपने देख लिया, ब्लास्ट भी हो गया बाहर की तरफ, नहीं तो वो अंदर ही ब्लास्ट हो जाता। तो यहाँ पर एक बंदा भी आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे देख नहीं पा रहा है, मैं इसे एक ही शॉट में नॉक कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए और भी हो गया, मतलब कि मेरे पास शॉटगन है तो एक ही शॉट में नॉक ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉक हो चुका है, इसे पता ही नहीं कि मैं हूँ कहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे ही आप यहाँ पे गायब होके मतलब कि सारे बंदों को किल कर सकते हो जॉर्जोपोल में। यहाँ पे इसे मारने एक और बंदा आ चुका है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इसे भी मैं नॉक कर देता हूँ एक शॉट में। तो फाइनली ये भी नॉक हो चुके हैं भाई साहब। तो ऐसे ही दोस्तों अगर पूरी की पूरी स्क्वाड आएगी ना वेयर हाउस में तो उन्हें तो ख़त्म कर सकते हो। और एक अच्छी बात यहाँ से ये है कि आप कंटेनर पे जो बंदे ना उनको भी ख़त्म कर सकते हो। ये बंदा शायद अपने टीम मेंबर के पास जा रहा है रिवाइव होने के लिए, पता नहीं, देखते हैं इसका पीछा करते हैं कब तक ये ज़िंदा रहता है। शायद रास्ते में ही मर जाएगा, अब देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। तो बाहर की तरफ निकला और यहाँ पर इसने दम तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया। तो एक स्क्रीनशॉट तो बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कमाल की ट्रिक ये लगी है मुझे। यहाँ पे मैं ना बहुत सारे बंदों को परेशान कर दिया, जैसे कि ये भाई साहब को देख लो, इनको मैं एक एक गोली मार मार के यहाँ पे बुलाया, उसके बाद ये मुझे देख नहीं पाए, ये हर जगह जाके कहीं लेट जाता था, कभी भाग रहा था, क्या कर रहा था मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। मैंने इसे एक एक फायर किया उसके बाद ये लेट गया, ऐसे ही मैं इसे कंटेनर से परेशान किया हूँ और अभी तक यहाँ पे ये मुझे मतलब कि सर्च ही नहीं कर पा रहा है, फाइंड नहीं कर पा रहा है कि मैं हूँ कहाँ पे। यहाँ पे आप देख लीजिए मैं कितना इसे मार रहा हूँ, ये उछल रहा है कूद रहा है लेकिन इसे पता ही नहीं कि मैं कहाँ पे हूँ। परेशान होके ना भाई ये भाग जाता है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना सारा, एक और शॉट देते हैं, मैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली फायर कर रहा हूँ और इसे फाइनली किसी ने मार दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंदे ने इसे ख़त्म कर दिया और ये आया था इसे लूटने। इन लोगों को भी मैंने काफ़ी सारा तंग किया, जहाँ दोस्तों एक एक गोली मैं मारता था, ये देख लीजिए एक एक गोली मैं मार रहा हूँ और ये लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वेयर हाउस के अंदर से कहाँ से फायरिंग हो रही है, कोई तो दिख नहीं रहा है, ये लोग यही सोच रहे होंगे। लेकिन इनको क्या पता मैंने तो यहाँ पर ट्रिक इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यहाँ से एक सिंपल सी बात यह है कि बाहर भी इजीली आप निकल सकते हो। जहाँ दोस्तों यहाँ पे ब्लू जोन आ चुका है तो मैं बाहर निकल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कॉर्नर से निकल जानी है बाहर की तरफ। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं बाहर निकलने की ट्राई कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं बाहर की तरफ आ चुका हूँ। तो ईजिली आप यहाँ से दोस्तों बाहर भी निकल सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई टीम मेम्बर की ज़रूरत नहीं अंदर जाने के लिए, आप अकेले सोलो खेल रहे हो तो भी अंदर जा सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी ग्लिच ट्रिक, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आपको ये ग्लिच या फिर ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।